जब 150 की रफ्तार से आएगा तूफान। पेड़ उखड़ेंगे, खंबे टूटेंगे, टावर गिरेंगे, कारें तहस नहस होंगी, तिनके की तरह उड़ जाएगा इंसान। सैकड़ों मीटर दूर तक उड़ जाएंगी झोपड़ियां, ढह जाएंगी कमजोर इमारतें। समंदर से आएगा 25 फीट ऊंचा सैलाब, तटीय इलाकों में भर जाएगा पानी, कई जिलों में होगी भयंकर बारिश। महाविनाशक तूफान देश में दस्तक दे चुका है और अब दहलाने वाली तस्वीरें सामने भी आने लगी हैं। देश के तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के सिर पर सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र इलाके में जोरदार बारिश के साथ विध्वंसकारी हवाएं चल रही हैं। वहीं समंदर किनारे उफनती लहरों का शोर कोहराम मचा रहा है, लोगों के दिलों में दहशत भर रहा है। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बिपरजॉय नाम का ये महाविनाशक तूफान जल्द ही विकराल रूप धारण कर सकता है। विनाशक तूफान धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता जा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में बिपरजॉय ने रौद्र रूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आपको एक मकान दिख रहा होगा, ये मकान समंदर तट पर बनाया गया था, लेकिन जिसने भी ये मकान बनाया था उसे शायद ही ये उम्मीद होगी कि देखते ही देखते ये मकान चंद सेकंड में समंदर की लहरों में समा जाएगा। तस्वीरें कोडिनार इलाके की है जहां एक मकान चंद सेकंड में ध्वस्त हो गया। गिर सोमनाथ में महाविनाशक की दस्तक से कैसे एक मकान चंद सेकंड में ध्वस्त हो गया, उसकी दूसरे एंगल से भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पहले एक साइड की दीवार गिरती है और एक साइड की दीवार गिरने के बाद मकान खोखला नजर आने लगता है और थोड़ी ही देर बाद ये मकान समंदर की लहरों में समा जाता है। सवाल ये है कि महाविनाशक की दस्तक से ये आलम है, पर जब ये तूफान पूरी ताकत से टकराएगा तब क्या होगा? महाविनाशक तूफान सबसे पहले जिस पोर्ट से टकराएगा उस जखाऊ पोर्ट पर नवभारत टीम की पहली नजर है। सुबह करीब 9 बजे से ही इस पोर्ट पर करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इस खौफनाक मंजर के दौरान टाइम्स नाउ संवाददाता राकेश पांडे मौके पर मौजूद थे। महातूफान की दस्तक से जखाऊ पोर्ट पर ये आलम था, अब लोग अंजाम को सोचकर डरे सहमे हैं। पोर्ट के अपने कंस्ट्रक्शन, लेकिन हवाओं की रफ्तार आप देखिए किस तरीके से। मैं चाहूंगा पंकज आप जरा तस्वीर दिखाइए मेरे एनिमोमीटर पर, 83.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कभी कभी ये आंकड़ा 80 से 90 किलोमीटर के बीच लगातार जा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा सकती है कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कितनी ज्यादा है। और इस पोर्ट के चूंकि ऊपरी हिस्से पर हम मौजूद है और मेरे चारों ओर आपको समुद्र दिखाई देगा, सामने ये पोर्ट है जखाऊ पोर्ट। जो लोग यहाँ काम करते थे पहले ही 2-3 दिन पहले ही उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है, यहाँ से दूर किया जा चुका है सुरक्षा के लिहाज से। इनफैक्ट जखाऊ गांव तक आप जाइए तो वहाँ भी लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। समंदर की ये लहरें जब किनारों से टकराती हैं तो एक शोर पैदा होता है जो सबको सन्न कर रहा है। तस्वीरें गुजरात के द्वारका की हैं, जहां समंदर किनारे लहरें असामान्य रूप से अशांत हैं और ये किसी भी वक्त रौद्र रूप धारण कर सकती हैं। महाविनाशक बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उसकी दस्तक से पहले ही हड़कंप मच गया है और तूफानी हवाओं, उफनती लहरों और तेज बारिश के संकेत की वजह से हालात और भी खराब होने की संभावना है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द्वारका के सनसेट पॉइंट की। आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से जो लहरें हैं वो अब देखते ही देखते बहुत ज्यादा विकराल होती जा रही है और जो बवंडर आ रहा है समुद्र का ये सफेद झाग जो आप देख पाएंगे ये दरअसल हाई टाइड्स हैं।
और इतनी ऊंची लहरें द्वारका के इस घाट पर शायद ही हमने पहले कभी देखी हो। सौराष्ट्र के जिन इलाकों में महाविनाशक तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी है उनमें जामनगर भी शामिल है। जामनगर में उफनती लहरें इतनी बेकाबू हो गई हैं कि तटीय इलाकों पर खड़ी कई नावों को समंदर के अंदर खींच ले गई। जो बोट समंदर किनारे बंधी हुई थी उन्हें उफनती लहरें बीच समंदर में बहा ले गई। यहां हालात अब बेहद असामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समंदर के सिपाही तटीय इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले जामनगर से 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। गुजरात के मांडवी से भी बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। समंदर की लहरें उफान मार रही हैं। महाविनाशक बिपरजॉय की वजह से लहरों पर हवा का अतिरिक्त दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से लहरें सामान्य से कई गुना ऊंची उठ रही हैं। वहीं मांडवी में ऊंची लहरों के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और बेहद अलर्ट है। गुजरते वक्त के साथ मांडवी से और भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लहरें और भी ऊंची होती जा रही हैं। हवाओं के साथ साथ लहरों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है और समंदर रौद्र अवतार में नजर आने लगा है। ऊंची और उफनती लहरों के साथ मांडवी में तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी आवाज की वजह से माहौल और भी डरावना होता जा रहा है। बीतते वक्त के साथ हवाएं दोगुनी रफ्तार से तेज हो रही हैं और सबसे बड़ा डर यह है कि जब ये तूफान अपने चरम पर होगा उस वक्त क्या हालात होंगे। मांडवी में करीब 2:30 बजे कैसे हालात थे इस मुश्किल वक्त में ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट नवभारत संवाददाता ने दर्शकों तक पहुंचाई। लगातार खराब होता जा रहा है और जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है कहीं ना कहीं साइक्लोन की तरफ लैंडफॉल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें हाई टाइड है, हवाओं का रुख बहुत तेज हो चुका है। वहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकिन अब प्रशासन की तौर से हमें भी निर्देश दे दिए गए हैं कि आप भी सी कोस्ट से दूर नदी के किनारे से दूर आ जाइए क्योंकि हाई टाइड लगातार है और ये एक संदेशा है आने वाले तूफान का जो 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में तूफान आने वाला है, जिसके चलते पूरे के पूरी प्रिपरेशंस प्रशासन द्वारा की जा रही है। अभी जब आप बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है जो रिव्यू कर रही है, जिन्होंने हमें भी साफ तौर पर यह कह दिया कि मीडिया पर्सन को भी अभी बीच के बाहर जाना है, वहाँ पर खतरा है। 4 बजे से 8 बजे के बीच में ये तूफान आएगा और उसके पहले की जो गतिविधियाँ हैं आप देख रहे हैं, बारिश तेज चल रही है, साथ ही साथ हवाओं का रुख एकदम तेज हो चुका है। 150 प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी जिसके चलते अमूमन ज़्यादा तौर पर डैमेज यहाँ मांडवी में जहाँ से हम ग्राउंड से जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर होना है। के नवलखी पोर्ट पर मोटी मोटी बूंदों के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज आंधी ने इस खौफनाक मंजर को और भी हवा दे दी है। बारिश इतनी तेज है कि हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये मंजर बेहद डरावना है। सबसे ज्यादा खतरा उन कच्चे मकानों पर है जो टीन शेड के सहारे टिके हुए हैं। फिलहाल तो ये कच्चे मकान अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन कब तक रहेंगे ये कहना मुश्किल है क्योंकि जिस रफ्तार से मोरबी में बारिश हो रही है और तूफान की रफ्तार तेज हो रही है तस्वीरें और भी भयावह हो सकती हैं। कच्छ के साथ साथ सौराष्ट्र में रेड अलर्ट घोषित है। महाविनाशक तूफान तेजी से सौराष्ट्र के जिलों की तरफ बढ़ रहा है। पोरबंदर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और अब वहां तेज हवाओं के साथ घर दुकान मकान पेड़ खंबे टॉवर सब पर खतरा मंडरा रहा है। पोरबंदर में उफनती लहरों के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं जिसने पूरे माहौल में खौफ पैदा कर दिया है। हालांकि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान से बचने के लिए किनारों पर समंदर के सिपाही भी तैनात हैं। महाविनाशक तूफान तेजी से भारत के तटों की तरफ बढ़ रहा है। द्वारका और कच्छ में सबसे गंभीर हालात हैं। दोपहर करीब 1 बजे द्वारका में 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इन लहरों को देखकर पहले जो कई किलोमीटर दूर नजर आने वाला समंदर अब हमारे कदमों से बस कुछ दूरी पर ही पहुंच चुका है। तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह और खतरनाक हो चुकी हैं। हाई टाइड से भी ज्यादा ऊंची खतरनाक टाइड
लाइट्स इस वक्त नजर आ रही हैं। काफी ऊंचाई पर ये पूरा समंदर, पूरा अरब सागर आ चुका है और बस कुछ ही देर में हम यहाँ से हटने वाले, क्योंकि हालात यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बाढ़ जैसे हो जाएंगे। जैसे ही बिपरजॉय दस्तक देगा, समुद्र का लेवल अब आई लेवल के भी ऊपर पहुंच चुका है। काफी ज्यादा ये ऊंचा समुद्र हो चुका है और ये तस्वीरें जो है आने वाले विनाश या आने वाले साइक्लोन की दस्तक देती है, उसकी गवाही है। बहरहाल अब वक्त हो चला है कि हमारी टीम अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस जगह से हटे। हमें भी अब दूर जाना होगा क्योंकि देखते ही देखते 5 मिनट में समुद्र जो है वो काफी आगे तक आ चुका है। जिस तेजी से साइक्लोन गुजरात के तट की तरफ बढ़ रहा है, उससे कहा जा सकता है अगले 1 से 2 घंटे में यहाँ के हालात बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ऐसे में खुद की सेफ्टी के लिए भी अभी हमें यहाँ से हटना होगा। द्वारका में बेहद तेज हवाएं चल रही हैं और इस दौरान नवभारत की जाबाज रिपोर्टर ज्योति मिश्रा मौके पर मौजूद हैं और करीब 1:30 बजे के आसपास हवाओं ने इतना खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया कि जिस कार में नवभारत की टीम पहुंची उस कार के दरवाजे एक झटके में उड़ गए। हमारे साथ जो कुछ हुआ है नैना, अभी वो शायद ही हम कभी भूल पाए कि किस तरीके से हमारी गाड़ी, जब हम अपने आप को समुन्दर के पास से बचाते हुए होटल के पास आए और जैसे ही दरवाजा हमने खोला, कैसे पूरा दरवाजा खोलते ही हवा के प्रेशर से उखड़ कर टूट कर नीचे गिरा। हालांकि गाड़ी को फिलहाल देखिए रिपेयर के लिए ले जाया गया है अंडरग्राउंड और जहां उसे मेंटेनेंस किया जा रहा है, क्योंकि उसी गाड़ी का सहारा है हमें इस तूफान में बचने के लिए। इनोवा जैसी बड़ी कार, आप सोचिए कि दरवाजा खोलते ही ठीक यहां पर वो गिरा और उसके टुकड़े होटल स्टाफ की मदद से हमें बाहर निकाला गया। कच्छ के पिंगलेश्वर बीच पर जोरदार हवाएं चल रही हैं, जो सबसे बड़ी दस्तक है महाविनाशक महातूफान की। पिंगलेश्वर में जोरदार हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है, लेकिन यहां नवभारत की टीम हर खतरे से अलर्ट करने के लिए मौजूद रही। मेरे हाथ में एनिमोमीटर जो कि लगातार 40, 45, 50, 60, 70, 80 तक यहां पर स्पीड जा रही है हवाओं की, तो ये इस बात की तस्दीक है, ये इस बात का संकेत है कि किस तरीके से ये तूफान विनाशकारी गति से आगे बढ़ रहा है। और अगर ये जखौपोर्ट से जहां पर हम मौजूद है पिंगलेश्वर बीच, ये दूरी है करीब 40 से 45 किलोमीटर बाई रोड। मैं बाई रोड इस डिस्टेंस की बातचीत कर रहा हूं, लेकिन सीधे आप चले जाइए ये दूर तक, पूरा अरब सागर का ये पूरा इलाका, कच्छ का पूरा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा है। और जखौ पोर्ट जहां पर हम मौजूद थे अब से थोड़ी देर पहले, वहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 शिप रेडी हैं, वहां पर जवानों को तैनात करके रखा गया है कि आसपास के कई इलाके में किसी तरीके की मदद की अगर कोई जरूरत होती है तो तुरंत उन्हें वहां से पहुंचाया जा सके, मदद पहुंचाई जा सके। तस्वीरें मायनगरी मुंबई की हैं, जहां महातूफान की दस्तक ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुंबई में तटीय इलाकों में उफनती लहरों के शोर ने लोगों को भयभीत कर दिया है। समंदर किनारों से ऊंची उठती लहरें लोगों में दहशत भर रही हैं और इन लहरों की आवाज और भी डरावनी लग रही है। वहीं मुंबई में अब तक 30 से ज्यादा ठिकानों पर पेड़ या टहनियों के गिरने के मामले सामने आए, जिसमें वेस्टर्न में 16 और ईस्टर्न में 7 घटनाएं शामिल हैं। उफनती लहरें समंदर किनारे लांघने को बेताब है, क्योंकि इन लहरों पर एक विनाशक बिपरजॉय तूफान का इतना ज्यादा दबाव जो है। तस्वीरें मुंबई की जान गेटवे ऑफ इंडिया की हैं, जहां समंदर किनारे असामान्य हलचल नजर आ रही है और इसके पीछे की वजह है शक्तिशाली महातूफान। ऊंची ऊंची लहरें बार बार समंदर किनारों से जाकर टकरा रही हैं और ये लहरें और भी खतरनाक साबित होती हैं अगर बिपरजॉय तूफान करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया तो नजारा और भी भयावह हो सकता है। ये उफनती लहरों की तस्वीरें भी मायानगरी मुंबई के मरीन लाइन की हैं, उसी मरीन लाइन की जहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते थे, लेकिन अब यहां डेंजर के साइन बोर्ड लग चुके हैं। मरीन लाइन इलाके में उफनती लहरों के शोर ने लोगों को भयभीत कर दिया है। समंदर किनारों से ऊंची उठती लहरें लोगों में दहशत भर रही हैं और इन लहरों की आवाज और भी डरावनी लग रही है। वहीं मुंबई में हाई टाइड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, ताकि लोग आने वाली मुसीबत से सावधान रहें। गुजरात का तूफान से सामना होने वाला है और इसके मद्देनजर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक्शन में आ गए हैं। भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई।
जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 1,00,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं वन्य जीवों की सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 180 टीमें बनाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक गुजरात में सैकड़ों पेड़ गिर चुके हैं, जिनमें से 400 पेड़ों को रास्तों से हटाया जा चुका है। बिपरजॉय की दस्तक का सबसे नया वीडियो गुजरात के राजकोट से सामने आया है। इस विनाशक तूफान की आहट से ही उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक शख्स खड़ा होकर फोन में कुछ देख रहा है, तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। हवा के तेज झोंके की वजह से इस शख्स का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तभी पार्किंग में खड़ी एक बाइक हवा के प्रेशर की वजह से अपनी जगह से खिसक जाती है और पीछे की तरफ जाकर दूसरी गाड़ियों पर गिर जाती है। इसके गिरने के बाद 3 टू व्हीलर भी अपनी जगह से पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। विनाशकारी तूफान बिपरजॉय की दस्तक भर से जामनगर दहल गया है। गुजरात के जामनगर में तेज हवाएं चल रही हैं और ये तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। देखिए जामनगर में कैसे एक के बाद एक चीजें उड़ती जा रही हैं। टिन शेड तिनके की तरह उड़ते जा रहे हैं और बिपरजॉय की वजह से आई तेज हवाओं ने कोहराम मचा दिया है। ये वीडियो एक गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे तेज हवाएं तबाही मचा रही हैं। ऐसे में सबसे खतरनाक बात यह है, ये महज बिपरजॉय तूफान की दस्तक भर है। जब इस तूफान का ट्रेलर ऐसा है तो फिर जब ये तूफान पूरी ताकत के साथ तटों से टकराएगा तो फिर हालात कैसे होंगे।